ओके तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के बारे में। तो भाई मैं आपको बताया था कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आपको बहुत सारे करेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई फाइनली उसके अंदर के सारे करेक्टर रिवील हो चुके हैं। करेंट टाइम में पूरे 3 करेक्टर वहां पर रहने वाले हैं। भाई ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं, सबसे पहले कोडी रोड्स का नाम है, नंबर 2 पर यहाँ पर रिया रिपली का नाम है, नंबर 3 का बात करें तो यहाँ पर रे मिस्टो का करेक्टर को डाला गया, मतलब टोटल 3 करेक्टर को डाला गया। और उससे भी बुरी बात है कि भाई कोडी रोड्स यहाँ पर भी गेम के अंदर भी मार खा रहे हैं। वैसे भाई इस गेम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे मूव भी डाले गए, जैसे पंटकी का आप लोग देख सकते हो, रैंडी ऑटन वाला, साथ ही साथ आप लोग और भी बहुत सारे मूव देख सकते हो जिसको यहाँ पर मतलब यूज किया गया। कुल मिलाकर बात है कि भाई वो जो शैडो था ब्रॉक लेसनर का शैडो नहीं था, शायद वो कोडी रोड्स का शैडो था। और गेम के अंदर अपडेट तो ऑफिशियली 24 को आने वाला था, पर भाई उससे पहले हम सारे लोगों को पता चल चुका है। मेरे ख्याल से इन्होंने टीजर वगैरह कुछ लॉन्च किया जिसके अंदर सारा चीज रिवील हुआ है। वैसे रियर रिप्ले का करेक्टर बहुत मस्त लग रहा है, अगर आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो तो भाई जाकर खेल भी सकते हो। वैसे आप लोग ट्रीस स्टेटस और लीटा को देखो भाई, अभी भी इतनी जवान है कि मतलब अभी भी मैच रेसल कर सकते हो। ऑलरेडी पिछले साल दोनों ही वुमेन्स रेसलर ने मैच रेसल किया भी था। और लीटा और ट्रीस स्टेटस दोनों का बात करें तो भाई अभी इनका एम है लास्ट मैच रेसल करने का। वैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर का रिसेंट है बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर अपना मेंटोर मानते हैं सीएम पंक, रोमन रेंज और पॉल हेवन। गोल्डवर भी बेचारा सोचते हुए कि बेटा तुम टैटू मेरा करवाए हो, तुम मेंटोर यहाँ पर रोमन रेंज को मानता है, फिनिशर तुम मेरा यूज करता है। वैसे जो भी हो भाई, पर रोमन रेंज को मेंटोर मानते हैं ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा चीज है, क्योंकि ऐसा जनरली कोई भी रेसलर आज तक मेरे ख्याल से रोमन रेंज के लिए नहीं बोला है। मैंने तो भाई पर्सनली किसी भी रेसलर से सुना नहीं है। पॉल हेवन का बात करें तो भाई मैं 100% इस बात को एग्री करता हूँ, बहुत सारे लोग अपना गुरु मानते हैं पॉल हेवन। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेफनी वेकर के बारे में। तो भाई शायद स्टेफनी वेकर आकर बहुत ही जल्द जजमेंट डे को शायद से ज्वाइन कर सकती है। उसके पीछे का एक और बहुत बड़ा रीजन ये भी, क्योंकि भाई मतलब दोनों ही आयरिश हैं, तो आपको जजमेंट डे के अंदर आपको दो आपको आयरिश देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द। ऐसे भाई बेसिकली अगर आप लोग जजमेंट डे फ्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे तो भाई जजमेंट डे के अंदर बहुत सारे चेंजिंग होते रहते हैं। सबसे पहले एज इस फ्रैक्शन को ज्वाइन किए थे, एज बनाए थे इस फ्रैक्शन को, उसके बाद एज को भगाया गया, फिर फिन वेलर आकर ज्वाइन किए, डेवन पिस्ट आकर ज्वाइन किए, उसके बाद डॉमडॉम आकर ज्वाइन किए, जेडी मैकडोना आकर ज्वाइन किए, करेंट टाइम में कार्लिटो भी ज्वाइन कर चुके हैं। ये जो फ्रैक्शन है भाई, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर मतलब रैंडम ऐड होते रहते हैं। रिसेंट टाइम इनका ब्रेकअप भी होने वाला है, तो भाई इट विल बी हाई चांसेस डब्ल्यू वाले कुछ और लोग को लाने वाले जजमेंट डे के अंदर। वैसे मेरे ख्याल से शायद से फ्रैक्शन रेसलमेनिया 41 तक शायद से खत्म हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई सारे रेसलर का सैलरी निकल कर सामने आ चुका है, जो की बहुत ज्यादा शॉकिंग। रोमन रेंज का न्यू जो सैलरी है $15 मिलियन हो चुका है, कोडी रोड्स का $10 मिलियन, रैंडी ऑटन का $10 मिलियन और हमारे सेथ रॉलिंस का $9 मिलियन। आगे आप लोग ड्रू मैकइंटायर को देख लो $8 मिलियन, सीएम पंक का भी $8 मिलियन, केविन ओवंस को $7 मिलियन। और इस तरीके से भाई पूरा ये लिस्ट निकल कर सामने है, आप लोग पूरा लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे भाई ये जो लिस्ट निकल कर सामने है बहुत बड़ा कोई मीडिया चैनल की तरफ से नहीं निकल कर सामने, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पर हाँ मेरे ख्याल से भाई अब वो जमाना चला गया जब रोमन रेंज $7 मिलियन में रेसल करते थे, अब मेरे ख्याल से 10-15 चार्ज करने ही वाले। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ऐसा रूमर भी आया था कि रोमन रेंज जब वापसी करेंगे तो अपना फी ब्रॉक लेसनर से भी हाई कर लेंगे। ब्रॉक लेसनर का फी था $12-13 मिलियन, तो भाई रोमन रेंज का 15 हो सकता, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। वैसे कुछ और मीडिया चैनल वाला अगर इसके बारे में बात करेंगे तो भाई ये चीज मतलब 100% कंफर्म हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंदर महाल के बारे में। तो भाई आप लोग ये वीडियो देखो भाई, लिटरली मुझे जिंदर महाल बूढ़े लग रहे हैं थोड़े थोड़े, और ये कुछ ज्यादा ये पतला हो चुके हैं भाई, मतलब थोड़ा सा इनको बल्की लगना चाहिए था। वैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं बी के बारे में। तो भाई बी के बारे में फाइनली गुड न्यूज निकल कर सामने आ चुका है, बिगी आपको बहुत ही जल्द आपको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। बिगी सबसे पहले इस बात को होता है कि अब करंट टाइम में उनको कोई भी दर्द वगैरह नहीं होता, मतलब वो बिल्कुल अब सारा चीज वो खत्म हो चुका है। भाई इनका C1 कोई बोन या फिर मसल्स है, मतलब गला के बीच में वहीं पर होगा कहीं पर होगा भाई, वो मतलब अभी करंट टाइम में डेवलप नहीं हो पाया। तो अभी करंट टाइम में सिर्फ बिगी अभी करंट टाइम में उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाई आप लोग इस बात को कंफर्म मान सकते हो कि भाई बिगी का रिटर्न आपको आज अगर देखने को नहीं मिलता तो आपको अगले साल देखने को मिल जाएगा। इन्होंने भाई खुद से इस बात को कंफर्म कर दिया कि उसके अलावा इनके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सारा चीज रिकवरी वगैरह सारा चीज वो कर चुके हैं। ऐसे आगे हम लोग बात करते हैं अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज का रिसेंट टाइम एक फोटो निकल कर सामने आया जिम से, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई रोमन रेंज अपना कमबैक का तैयारी कर रहे हैं, वर्कआउट वगैरह सारा चीज वो करना शुरू कर चुके हैं। बस भाई अब 17 दिन बचा हुआ है रोमन रेंज का इंतजार का, 17 दिन बाद आपको रोमन रेंज देखने को मिलने वाले हैं। वैसे रोमन रेंज के बारे में मैं आपको कुछ और बात बताने वाला हूँ जो कि भाई सच में बहुत ज्यादा डरावना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में। तो भाई ये चीज पॉसिबल नहीं, पर भाई ऐसे WrestleMania.com वाले ने इस वाले फोटो को पोस्ट किया कि क्या ऐसा हो सकता है सारा ब्लड लाइन एक साथ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से भाई ये चीज बिल्कुल भी नहीं होने वाला, अगर ऐसा हो जाता तब भाई आप लोग समझ रहे हो मतलब 8-10 मेंबर भाई एक टीम के अंदर होंगे और इतने तगड़े तगड़े इतने खूनखार बंदे, मतलब भाई लिटरली इनसे कौन फाइट करना चाहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई आज के 13 साल पहले हमें सीएम पंक का सबसे खतरनाक हमें रूप देखने को मिला, वही टाइम था जब जॉन सीना जैसे रेसलर फीके पड़ जाते थे सीएम पंक के सामने। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों का स्टोरी ऑलरेडी पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो भाई मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी था उस टाइम। होता क्या है, सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था मनी इन द बैंक के अंदर, भाई उसी दिन डब्ल्यू वाले ने सीएम पंक और जॉन सीना का मैच रखा था, और ये मैच भाई WWE चैंपियंस बेल्ट के लिए था, जिस मैच के अंदर भाई सीएम पंक हरा देते हैं जॉन सीना को। सीएम पंक हराने के बाद भाई सीएम पंक WWE चैंपियन उसी टाइम बन जाता है। विंस मैकमैन को ये चीज पसंद नहीं आता, विंस मैकमैन सीएम पंक के ऊपर मनी इन द बैंक
कैश इन करने के लिए भेज देते हैं। पर भाई सीएम पंक के ऊपर मनी इन द बैंक कैसे नहीं हो पाता है, सीएम पंक ऑडियंस के बीचों बीच भाग जाते हैं वहां और से। उसके बाद हमें ये वाला आइकॉनिक फोटो हमें सीएम पंक का देखने को मिला था जहां सीएम पंक चिढ़ा रहे थे विंस मैकमैन। तो ये काफी आइकॉनिक मोमेंट था, ऑलरेडी मैं इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया। वैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं बुकर टी के बारे में। तो भाई रिसेंट है बुकर टी ने भाई जे उसो के बारे में बहुत अच्छा बात बोला। उन्होंने जे उसो के बारे में बोला कि जे उसो अभी करंट टाइम में काफी ज्यादा हाइप पर चल रहा है, इसलिए डब्ल्यू वालों को इनको रॉकेट पुश देना चाहिए। और मैं भी इस बात से भाई 100% एग्री करता हूं। ऑलरेडी बहुत सारे सुपरस्टार इस बात को बोल हुए चुके हैं, जैसे रिसेंट टाइम में इनके खुद के फादर रिकी से इस बात को बोले थे कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस एक्चुअली जे उसो को विन करवाना चाहिए। देखो भाई बहुत सिंपल होता, अगर जे उसो अगर ब्रीफकेस अगर विन कर जाता तो भाई डब्ल्यू वाले कैसे इन फेल करवा देते। अगर उनको ब्रीफकेस को फेल ही करवाना था तो भाई सोलो सिवा की मदद से ब्रीफकेस मनी इन द बैंक कैसे इन फेल हो सकता था। भाई ये ड्रू मैकइंटायर से फेल करवाना मेरे को मतलब उतना सेंस लगा नहीं। वैसे देखते हैं भाई क्या होता। बुकर टी ने भाई वैसे इस बात को बोला कि जे उसो वर्ल्ड चैंपियन बहुत ही जल्द बन जाएंगे, पर ये वर्ल्ड चैंपियन कब बनेंगे मैं आपको शाम वाला वीडियो के अंदर मैं आपको शायद से और भी ज्यादा क्लियर मैं आपको बताऊंगा। वैसे भाई आप लोग कोडी रोड्स का ये वाला फोटो देखो भाई, जो कोई फैंस के साथ निकल कर सामने आया था, आप लोग देख सकते हो भाई कितना इनक्रेडिबल सच में ये फोटो है। मेरे पास ये फोटो 2-3 दिन से था, मैं कब से सोच रहा था आपको दिखाने का। नेक्स्ट बात करते हैं समर स्लैम के बारे में। तो भाई समर स्लैम के बाद आपको कौन कौन से रेसलर आपको चैंपियन बनते हुए दिखने वाला, आप लोग उसका पूरा लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर सोलो सिवा को जो चैंपियनशिप दिया गया ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत है, उसके अलावा भाई सारा चीज बिल्कुल सही है, आप लोग थोड़ा आराम से भाई इसको देख सकते हैं। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं जॉन सिना के बारे में। तो भाई जॉन सिना के बारे में ये रिपोर्ट निकल कर सामने है कि जॉन सिना भाई मंडे नाइट रॉक ऊपर रहने वाले हैं। जॉन सिना का जब हमें रिटर्न हमें 2025 के अंदर देखने को मिलेगा तो वो मंडे नाइट रॉक ऊपर रहने वाला, स्मैकडाउन के ऊपर जाने नहीं वाले। उसके पीछे का भाई प्रोबेबली सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि मंडे नाइट रॉक भाई आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको अगले साल आपको देखने को मिलेगा। शायद से भाई डब्ल्यू वाले टीआरपी बढ़ाने के लिए वहां पर जॉन सिना को बुला सकते क्योंकि भाई स्मैकडाउन के लिए ऑलरेडी रोमन रेंज रहे। हाँ इसके बारे में आपको थोड़ा सा और क्लियरेंस दूंगा आज शाम के वीडियो के। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड लाइन के कुछ और मेंबर के बारे में। तो भाई मुझे नहीं पता भाई ये ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाले या फिर नहीं करने वाले, पर हाँ ये डब्ल्यू कंपनी के अंदर आ चुके हैं। भाई टोंगा ट्विंस जो कि मेरे को नाम से तो भाई ये समवन ही लग रहे हैं, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता। हाँ इनको भाई रिसेंट में डब्ल्यू के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर इनको देखा गया है और ये सच में अगर समवन है तो भाई मतलब डब्ल्यू भाई तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो भाई, सारे समवन को अपने कंपनी के अंदर ला, लिटरली 7-7, 8-8 बच्चा उन्होंने पैदा किया और जॉब भाई आज के टाइम पे डब्ल्यू कंपनी इनको दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो भाई जे उसो को भाई 100% टाका भेज चुका है रिया रिप्ली के साथ। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई रिया रिप्ली और जे उसो का भाई दोनों का वीडियो निकल कर सामने है। सबसे पहले एक लड़की जे उसो से बात करती है, उसके बाद वही सेम लड़की यहाँ पर रिया रिप्ली से बात करती है और वो रिया रिप्ली से पूछती है कि क्या आपके पास जे उसो का नंबर है। तो रिया रिप्ली यहाँ पर जवाब में ईट बोलती है, आप लोग खुद सुन सकते हो भाई इस वीडियो को। तो मेरे ख्याल से भाई कुछ न कुछ तो भाई जरूर इनके बीच में कुछ न कुछ तो भाई पकने वाला, आपको साथ से अगले मंडे नाइट रॉक ऊपर आपको थोड़ा सा और क्लियरेंस होते हुए आपको दिखने वाला। ये जो स्टोरी लाइन है भाई मेरे ख्याल से ऑडियंस इसमें बहुत ज्यादा करंट टाइम इंटरेस्ट मतलब दिखा रहे हैं। मतलब आप लोग समझो भाई लिव मॉरन पड़े हुए डॉमडम के पीछे, डॉमडम पड़ा हुआ है मामी के पीछे, मामी करंट टाइम में जे उसो के पीछे पड़ चुका है। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक का जो पुराना मर्चेंडाइज था शायद 2010-12 के टाइम पर हुआ होगा, उस मर्चेंडाइज को फिर से वापस ला चुकी है। आप लोग यहाँ पर कुछ पुराने मर्चेंडाइज को आप लोग फिर से यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं मैक्सिम डुपरी के बारे में। तो भाई मैक्सिम डुपरी का वीडियो क्लिप निकल कर सामने है मंडे नाइट रॉ से, जिसके पीछे भाई ब्रे वाइट का रैबिट छिपा हुआ मैं था। आपको एक्जेक्टली फोटो दिखाता हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो भाई पीछे जो बॉक्स बना है उसके पीछे एक्चुअली रैबिट छिपा हुआ तो है। मुझे भाई सीरियसली नहीं पता भाई डब्ल्यू वाले मतलब ये क्या कचरा कर रही, क्या दिखा रही है। मतलब अगर हम मंडे नाइट रॉ देख रहे हैं तो हम लोग मतलब दूरबीन लगा कर देखे पीछे कुछ छिपा हुआ तो नहीं। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं समर स्लैम के बारे में। तो भाई समर स्लैम का भाई पूरा जो टिकट है वो सोल्ड आउट नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं 55,000 का करंट में कैपेसिटी है, पर भाई अभी भी 7,500 टिकट यहाँ पर मतलब अभी खाली है, जो कि अभी बीकानेर मतलब उतना सीट अभी करंट में खाली है। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले इस पीपीवी को उतना हाईलाइट नहीं कर पाए जितना उनको हाईलाइट करना चाहिए था, तो इसलिए 55,000 भी टिकट नहीं सोल्ड आउट हो पा रहा आज के एक साल पहले भाई, मतलब एक महीना पहले ही पूरा सोल्ड आउट हो जाता था। वैसे मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई अच्छा सा शो डिलीवर शायद से करने वाले समर स्लैम के अंदर। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के बारे में। तो भाई डायनामाइट शो के अंदर हमें कुछ ऐसा देखने को मिला, इससे पहले हमें कभी ऐसा देखने को मिला ही नहीं था। एमजेएफ का मैच था डायनामाइट शो के अंदर, जो मैच भाई 60 मिनट लंबा चला था, मतलब एक घंटा हमें हार्डकोर रेसलिंग मैच हमें देखने को मिला। उसके बाद मैच के अंदर स्वेट को भी यहाँ पर एमजे विन कर जाते हैं, पर भाई उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है, मतलब ऑक्सीजन को यूज करना पड़ता है। इस मैच के मैंने भाई बहुत सारे क्लिप मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा भाई, ये मैच बहुत ज्यादा हार्डकोर रेसलिंग मैच था और 60 मिनट तक रेसल करना भाई मतलब कितना टफ होता है रेसलर के लिए मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे ख्याल से भाई एडब्ल्यू वालों को इतना हद तक भी नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई जब ये रेसलर बूढ़े होंगे तो भाई इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसे एडब्ल्यू वाले भाई इसी नाम पर जाने जाते हैं, इसलिए भाई हमें इस तरह के रेसलिंग मैचेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिको से के बारे में। तो भाई रिको से के रिसेंट है भाई बहुत सारे तारीफ हमारे टोनी खान की, मतलब
मतलब ये चीज क्लियर है भाई, रिको से AEW कंपनी को ही ज्वाइन करने वाले हैं। कोई भी डिबेट वाली बात नहीं भाई, पब्लिकली आकर इन्होंने भाई बहुत सारे तारीफ यहाँ पर रिको से का किया है। वैसे भाई डब्ल्यू वाले भाई अभी बहुत सारे और भी मल्टीपल शो करवाने वाले ओसाका शहर के अंदर, साथ ही साथ टोक्यो शहर के अंदर, साथ ही साथ उन्होंने एक मैच को भी ऑफिशियल कर दिया जो की डैमेज कंट्रोल का मैच होने वाला है और इनके अगेंस्ट बियांका बेलेर और जेट कारगिल फाइट करने वाले, साथ ही साथ एक जापानीज रेसलर यहाँ पर फाइट करने वाली है। मैं आपको इनका नाम बता दे रहा हूँ, मीको सतोमुरा, ऐसे कुछ ऐसे इनका नाम है भाई, आप लोग बस समझ जाओ। ये मैच डैमेज कंट्रोल के अंदर होने वाला, आपको बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस के बारे में अब ये रूमर निकलकर सामने आ चुका है कि भाई सेथ रॉलिंस एज ए रेफरी बन सकते हैं समर स्लैम के। एक्चुअली समर स्लैम के अंदर ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक के बीच में सिंगल मैच ही होने वाला है और ड्रू मैकइंटायर ने पिछले मंडे नाइट रॉ के ऊपर रेफरी को ही पेल दिया था, तो शायद यहाँ पर एज ए रेफरी शायद सेथ रॉलिंस हो सकते हैं। इसके बारे में भाई कोई भी कंफर्मेशन नहीं है भाई, साथ ही साथ बड़े न्यूज चैनल वाले अभी इसके बारे में बात नहीं, तो देखते हैं भाई क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको 100% सारा चीज क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर सेथ रॉलिंस भाई एज ए रेफरी काम करेंगे तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे भाई बोर्डलेस जो टीम बनाए हैं, मतलब अपना पूरा टीम व्हाइट सीज का बनाए भाई, उसको अभी से ही हेट मिलना शुरू हो चुका है भाई। लोगों को ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि बोर्डलेस बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, वो फेक स्माइल दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा मंडे नाइट रॉ के ऊपर बोर्डलेस को एक्जेक्टली मतलब ब्रे वाइट का ही कॉपी कर रहे थे, जिस तरीके से ब्रे वाइट का पूरा करेक्टर। पता नहीं भाई अमेरिकन लोग के माइंड में क्या चलता है भाई, मुझे खुद भी नहीं पता। हाँ, जिस स्लो स्पीड से भाई इनका स्टोरी लाइन चल रहा है भाई, अगर इसी स्पीड से चलेंगे तो मेरे ख्याल से पक्का फेल होने वाले। वैसे देखो भाई समर स्लैम के बाद शायद थोड़ा सा और हमें क्लियरेंस हमें मिलते हुए शायद से दिख सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई इनके बारे में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आया कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स दोनों एक टीम के अंदर रह सकते हैं। ऑलरेडी ये रिपोर्ट भाई कुछ टाइम पहले भी निकलकर सामने आया और ये दोनों एक साथ टीम अप करके ब्लड लाइन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, जो कि ब्लड लाइन 2.0 है, मतलब सोलो सिवा का ब्लड। देखो भाई मैं आपको बता दूं भाई, ये चीज भाई सबसे पहले शायद से पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो भाई कोडी रोड्स का भाई ऑलरेडी टीममेट पेला जा चुका है जो कि रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस भाई, मतलब वो भी पेले जाएंगे। कोडी रोड्स का बात करें तो उनको एक हीरो दिखाना है। कोडी रोड्स अगर सच में अगर रोमन रेंज के साथ अगर पेयर हो जाता है तब भाई कोडी रोड्स रियल में हीरो बन जाएंगे। दूसरी साइड रोमन रेंज को बेफेस दिखाना, अगर रोमन रेंज अगर कोडी रोड्स के साथ पेयर हो जाएंगे तो रोमन रेंज भी टॉप के मतलब बेफेस बन जाएंगे। साथ ही साथ सोलो सिगवा का बात करें तो भाई सोलो सिगवा के लिए भी बहुत एक अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भाई सोलो सिगवा का फाइट उसके बाद रोमन रेंज और कोडी रोड्स जैसे दो मतलब डुओ के साथ, तो सोलो सिगवा को भाई दुगना हाइप मिल जाने वाला इस पूरे स्टोरी लाइन। तो भाई फायदा तो मेरे ख्याल से सबको होने वाला, पर भाई मेरे ख्याल से घाटा हम ऑडियंस को होने वाला है। मैं कभी नहीं देखना चाहता भाई इस कार्टून को रोमन रेंज के साथ, ये खुद हर एक स्मैकडाउन को मार खाता, अब रोमन रेंज भी इसके चक्कर में मार खाएंगे। मुझे नहीं पता भाई ये होगा या फिर नहीं होगा, पर भाई मैं सीरियसली ये चीज नहीं देखना चाहता। रोमन रेंज एज ए बैडएस मुझे हमेशा से पसंद है भाई, मतलब हमेशा से यही पसंद आएंगे हमको। ऐसे आप लोग क्या रोमन रेंज और कोडी रोड्स का डुओ देखना चाहते हो, आप लोग सारे लोग भाई कमेंट में इस बात को जरूर से बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं डॉमडॉम के बारे में। तो भाई मैं आपको ये बताया था कि डॉमडॉम जो करेक्टर निभा रहे हैं एडी गेरेरो का निभा रहे हैं, यहाँ पर चाइना का करेक्टर निभा रही हमारी मामी। मैं आपको ये नहीं बताया था कि करेंट टाइम में लिम वॉरन जो करेक्टर निभा रहे हैं वो करेक्टर ऑलरेडी ट्री स्टेटस उस टाइम पर निभा रहे हैं, दोनों ही भाई मतलब कतई जहर है, कल भी जहर थी आज भी जहर है, तो ये स्टोरी लाइन भाई कुछ ज्यादा ही बवाल करेगा। मैं आपको पहले ही भाई बता दे रहा हूँ ये चीज एडवांस। वैसे आप लोग ये चीज देखो भाई, मामी और जेओसो के वीडियो को डब्ल्यू वाले ने भाई मतलब अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भाई इसको डाला है और उन्होंने इस चीज को लिखा भी है कि जेओसो को मामी चाहिए, मतलब भाई शायद से इनका स्टोरी लाइन सच में इंप्लीमेंट होने ही वाला है।